नमस्कार, मैं हूं काजल मिश्रा, स्वागत है आपका N1 लाइव पर। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की मुख्य खबरों पर। छात्रवृत्ति योजना में बेटियों से खेल खेल रही सरकार, 7 साल में नहीं बढ़ा एक भी पैसा। सीएम ने राइड विद प्राइड की नई 18 टैक्सियों को दिखाई हरी झंडी। 1 जनवरी 2023 से मोटे प्लास्टिक के थैलों पर रोक, दुकानदारों को खत्म करना होगा स्टॉक। हिमाचल के मंडी हवाई अड्डे की अंतिम DPR तैयार, 15% बढ़ाई गई लागत। हिमाचल में अब शहरी क्षेत्रों में भी तैनात होंगी आशा वर्कर। अब मतदान से वंचित नहीं रहेंगे दिव्यांग, प्रदेश में वोटर लिस्ट से जोड़ने के लिए चलेगा विशेष अभियान। 349 पंचायतों में खुलेंगे पशु औषधालय, पशुपालन विभाग ने दी मंजूरी, अब कैबिनेट से स्वीकृति का इंतजार। 4 लेन निर्माण में अवैध डंपिंग पर हाईकोर्ट तलख, जंगल में मलबा फेंकने पर सरकार को नोटिस। कुल्लू में सड़क पार कर रही 7 साल की मासूम को पुलिस वाहन ने मारी टक्कर। शिमला में आज से बिजली बोर्ड कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, प्रबंधन पर वादा खिलाफी करने का आरोप। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए N1 लाइव।